नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम आपके लिए नेवी एमआर, नेवी डबल एसएसआर, कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए जीके के क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे नोटिफिकेशन डेली मिल सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लार्जेस्ट रीफ इन द वर्ल्ड इज फाउंड नियर द कोस्ट ऑफ, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी तटीय चट्टान किस तट पर पाई जाती है, दुनिया की सबसे बड़ी तटीय चट्टान किस देश के किनारे पाई जाती है। तो ऑप्शन है आपके पास, देखिए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, क्यूबा। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो क्या है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब मैं बात करूँ, देखिए ये आपका है ब्राज़ील, ब्राज़ील की कैपिटल क्या है, ब्रासीलिया, क्या है कैपिटल, ब्रासीलिया। ठीक है, उसके बाद श्रीलंका की आपको पता ही होगा, श्रीलंका की कैपिटल क्या है, कोलंबो, क्या है, कोलंबो। ऑस्ट्रेलिया की क्या है, ऑस्ट्रेलिया की आपको पता है कैनबरा। ठीक है, और क्यूबा की शायद मिनी ऐसी कुछ है, माइंड से स्लिप हो गई। नेक्स्ट देखिए, टाइटल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज गिवन बाई, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी। ऑप्शन है आपके पास, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, और उसके बाद है मौलाना आज़ाद, और उसे कस्तूरबा देवी। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन हो जाता है ए, यानी कि महात्मा गांधी। ये क्वेश्चन पहले भी मैं कई बार करा चुका हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। महात्मा गांधी के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एपिकल्चर इज अ रिलेटेड, एपिकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है, बहुत पूछी जाती है ये एपिकल्चर। तो यहाँ पर देखिए, एपिकल्चर आपसे पूछा गया, तो एपिकल्चर किससे संबंधित है, शहद से, किससे संबंधित है, शहद से। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द गमुंड इन चाणक्य एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी चालुक्य प्रशासन में गामुंड कौन था, यानी कि एक पद हुआ करता था जब चालुक्य प्रशासन था, उस समय एक पद हुआ करता था, उसका नाम था गामुंड। तो इसमें पूछा है कि गामुंड था वो कौन था, एक्चुअल में कौन था वो गामुंड। तो यहाँ पर देखिए, गामुंड है वो क्या होता था, विलेज ऑफिशियल, यानी कि ग्राम अधिकारी, क्या हुआ करता था, ग्राम अधिकारी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपको, विच फ्रॉम द फॉलोइंग टेररिस्ट डज नॉट हैव अ बॉर्डर विद मिजोरम, यानी कि निम्न में से किस प्रदेश की सीमा मिजोरम से नहीं मिलती है, कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं मिलती है? तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए मैप। देखिए, मिजोरम आपका पड़ता है ऊपर की साइड को, तो यहाँ पर आपकी म्यांमार की सीमा भी लगती है, असम की भी लगती है, और त्रिपुरा की भी लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि नागालैंड की नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्वार मुख्य रूप से किसका परिणाम होते हैं, टाइड्स आर प्राइमरली रिजल्ट ऑफ द, यानी किसका परिमाण होते हैं, अट्रैक्शन ऑफ द मून, फेरल्स लो, ओशियन करंट्स, प्रेशर सिस्टम ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की दबाव प्रणाली। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले भी इससे कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। जब मून के मध्य जो क्या लगता है, अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण बल लगता है जो मून के अंदर, उसकी वजह से क्या होते हैं अपने ये ज्वार आते हैं, जिन्हें हम ज्वार भाटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ज्वार भाटा। इंग्लिश में मैं बोलूँ तो ये वर्ड है टाइड्स, क्या है, टाइड्स, इसको बोलते हैं हम ज्वार भाटा, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर डैम प्रोजेक्ट इज ऑन द रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपको सभी दिए हुए, भद्रा है, भीमा है, गोदावरी है, कृष्णा है। तो 35 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारा हो जाता है कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध परियोजना है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं जो करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत आते हैं। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ गिवन मेटल वायर डिपेंड्स अपॉन, किसी दिए गए धातु के तार में विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर किस पर करती है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा, वो जो पदार्थ होता है उसकी प्रकृति पर, यानी कि नेचर ऑफ मटेरियल किस पर होती है, नेचर ऑफ मटेरियल पर करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिग्नाइट बेस्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स वुड कम इनटू एग्जिस्टेंस एट, जहां लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत ग्रहों का अस्तित्व होगा वह स्थान कौन सा है। ठीक है, तो 37 क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन देखते हैं हम, ऑप्शन क्या क्या गिवन है, कालपुड़ी जलीपा बरसिंगर, पोकरण कालपुड़ी जलीपा, पलाना अलवर बरसिंगर, रामगढ़ बरसिंगर एवं सूरतगढ़। तो भैया देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं आपके ऑप्शन कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से नहीं हो सकते। ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि अलवर का रहने वाला हूँ मैं, तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है, उसके बाद पोकरण के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर जैसा बोला है। ऑप्शन बच जाते हैं आपके ए और डी, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है, कारपुड़ी जलीपा और बरसिंगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो शायद इतने ही क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक करें, ऐसे और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियो डेली मिल सकें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय हिंद जय भारत।